हेलो स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपको हिंदी भाषा के बारे में व्याकरण से संबंधित बातें बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, भाषा क्या है और लिपि क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण। व्याकरण आज इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भाषा, भाषा उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बोलते हैं और अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति की जाती है, सुनने वाला अगले जो बात कह रहा है उसके विचारों को समझ सके, ऐसी जो अभिव्यक्ति है वो ही भाषा कहलाती है। जो विचार करने का जो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है वही भाषा कहलाती है। भाषा का लिखित रूप कोई नहीं होता है, लेकिन भाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, भाषा को एक तो होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। मौखिक लिखित में व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है। हिंदी में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो स्वर और व्यंजन के माध्यम से लिखकर व्यक्त किए जाते हैं। हिंदी में भाषा का जो माध्यम लिखित रूप है वो स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। जबकि मौखिक, मौखिक में सिर्फ बोलकर बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है तो बोलकर जिस माध्यम से करता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है, और मौखिक में सिर्फ बोलकर बताया जाता है। इस प्रकार से भाषा के दो रूप हो गए, लिखित और मौखिक। अब आते हैं लिपि। लिपि क्या है? लिपि, लिपि का मतलब होता है कि जो भाषा को लिखने का जो माध्यम होता है, भाषा का जो लिखित रूप होता है वह लिपि कहलाता है। भाषा का जो लिखित रूप है वह लिपि कहलाता है, और हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी। देवनागरी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें स्वर और व्यंजन लिखे जाते हैं, स्वर और व्यंजन, व्यंजन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। लिपि देवनागरी के हिंदी की और स्वर और व्यंजनों में से लिखा जाता है। अब आ रहा है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण में होता है, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में, भाषा को शुद्ध रूप में, रूप में लिखने और बोलने का जो माध्यम होता है, बोलने का जो माध्यम है वही व्याकरण है। व्याकरण है यानी हिंदी के व्याकरण में हम मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का इस्तेमाल करके और भी भाषा को शुद्ध बना सकते हैं, जिससे पढ़ने और सुनने वाले को अच्छा लगे, यही व्याकरण का रूप होता है। इस प्रकार से हमने समझा कि भाषा क्या है। भाषा व्यक्ति के द्वारा बोले जाने और लिखने जाने का जो माध्यम है वही भाषा कहलाती है। और लिपि, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, इसमें स्वर और व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का जो माध्यम है वही व्याकरण कहलाती है। इसमें विभिन्न प्रकार से मुहावरे, लोकोक्ति, प्रत्यय,
उपसर्ग आदि का इस्तेमाल आदि का प्रयोग करके उसे शुद्ध बना दिया जाता है, शुद्ध बना दिया जाता है। व्याकरण से भाषा में शुद्धता आती है, जिससे पढ़ने वाले और बोलने वाले को उसका अर्थ और सही ढंग से समझ सके। आज के लिए फ्रेंड्स, आपका यही पॉइंट यही समाप्त होता है। धन्यवाद।